मिलेगा जरूर। अपना नाम बताइए पहले। बबलू कुमार तपोवन गाइड। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए हम लोग जो इतना कष्ट करके आए हैं और भी आगे जाके कष्ट करने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा एक सुरंग गुफा है जब उसमें सो के निकलते हैं, तो यहाँ पर सेठ लोग, मड़वारी लोग, किंट लोग के आते हैं और उस गुफा से प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो ये हनुमान जी का यहाँ पर चमत्कार है। आगे चल के देखेंगे एक ऐसा चट्टान, दिव्य चट्टान है जो हनुमान जी अपनी उंगली से उस चट्टान को चीरे है, और कैसे चीरे है, क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए देवताओं द्वारा जो छल करके जो बाबा बैरना धाम जो शिवलिंग स्थापित हो गए ना, वही शिवलिंग को रावण लंका ले जाने के लिए यही तपोवन आए थे तपस्या के लिए। अच्छा। आप लोगों आगे लेके चलेंगे जहाँ त्रिभुजा आकार का अंधकार का विशाल गुफा देखेंगे। इसी गुफा में आकर के जब रावण ने घनघोर तपस्या आरंभ कर दिए तो देवताओं में हलचल मच गई। तो सब देवताओं ने मिलकर के यहाँ पर हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी है आकर के अपना गर्जना शक्ति से अपने गदे की प्रहार से इस पहाड़ को तहस नहस करके भूकंप में ला दिए, और जहाँ रावण तपस्या में लीन थे हनुमान जी गुफे के ऊपर से ही गदा का वार करते हैं और गुफा धीरे धीरे पाताल की ओर चले जाते हैं। जब पाताल की ओर जाने लगते हैं तो रावण का कष्ट हो जाता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है और यहाँ से वो लंका निराश होकर लौट जाते हैं। तो 14 बरस से वनवास से राम सीता लक्ष्मण यही आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे, तो यही पर सीता मई ने हनुमान जी से परीक्षा लिया कि तुमने यहाँ पर जो रावण का तपस्या भंग किया है इसका क्या प्रमाण है। तो हनुमान जी बोले कि मैंने जिस चट्टान में अपने गद्दे से प्रहार किया हूँ उसके अंदर मेरी मूर्ति है। तो सीता मई बोले मैं तो अंतर्यामी हूँ, मेरे पास तो दिव्य नेत्र है, लेकिन कलयुग में जो मनुष्य आएंगे तो उन लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तुमने यहाँ पर रावण का तपस्या भंग किया है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास नहीं दिव्य नेत्र होंगे नहीं अंतर्यामी होंगे, तो कैसे विश्वास करेंगे कि तुमने यहाँ पर रावण का तपस्या भंग किया है। वही विश्वास के लिए आप लोग एक विशाल चट्टान सामने ले चलेंगे जहाँ पर हनुमान जी ने 11 बार जय श्री राम नाम लेके अपने कनिष्ठ उंगली से उस चट्टान में से लकीर खींच दी और वो चट्टान दिव्य शक्ति से प्लान में फट गई और उसके दोनों भाग में हनुमान जी का आकृति उभर आए। यह देख करके सीता माई खुश हो गई और बोले कि जब भक्त हनुमान तुम्हारा नाम चारों युग में अमर रहेगा और यहाँ पर जो भी भक्तगण सच्चे हृदय के साथ मनोकामना करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ पर लाखों लाखों की मनोकामना पूर्ण हुए, यहाँ पर सीता माई का वरदान है कि यहाँ पर जो भी मन्नत कीजिएगा 3.5 महीना यानी कि 105 दिन तक गुप्त रखा जाता है, किसी को नहीं कहा जाता कि हमने यहाँ क्या मन्नत मांगे है। तो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। कलकत्ता की एक रानी थी, नाम थी चारोशिला घोष, पथरिया घाट की। उसकी 7 पुत्रियां थी, एक भी पुत्र नहीं। उन्होंने आकर हनुमान जी के समक्ष मन्नत मांगी कि प्रभु हमको एक संतान हो। जब हनुमान जी के कृपा से रानी की संतान की प्राप्ति हो गई तो रानी सोची कि मैं नीचे से लेकर के दुर्गा पहाड़ी गुफा में सीढ़ी बनवा देंगे और जहाँ हनुमान जी चट्टान चिरे है भव्य विशाल मंदिर बनवा देंगे। तो रानी जैसे नीचे से आरम्भ कर दिया सीढ़ी बनाने के लिए, जो हम लोग ऊपर तक आए वहां तक रानी सीढ़ी बनवा दी। जब रानी सीढ़ी बनवाई थी वही पत्थर काट काट के सिर्फ पत्थर की सीढ़ी थी। फिर सोचे पहाड़ी गुफा एडवेंचर में बनवा देंगे ताकि जो भी टूरिस्ट आए कष्ट न करे। लेकिन हनुमान जी ने रानी का सपना दे दिया कि हे रानी आप हमारे रास्ते में परिवर्तन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा जैसा प्राकृतिक गुफा रास्ता है वैसा रहने दीजिए, इसमें परिवर्तन कीजिएगा तो मेरा प्राकृतिक नष्ट हो जाएगा और उसके उपरांत आपका पुत्र भी नष्ट हो जाएगा। तो रानी यहाँ छोड़ दिए दान देने के लिए। वही रानी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में नौलखा मंदिर बनवा दी। ब्रिटिश जमाने में चांदी का सिक्का चलता था, वही चांदी का 9 लाख रुपया खर्चा करके नौलखा मंदिर बनवा दिए। अभी तो 9 करोड़ में भी नहीं बनेगा। तो रानी आप लोग जैसे नौलखा मंदिर घुसिएगा ना तो एक दीवार में चित्र देखिएगा कि एक औरत बच्चा को गोद में ले बैठी हुई है, तो वही है चारोशिला घोष। नौलखा का दूसरा नाम है जुगल मंदिर, जो लड़का जन्म हुआ था ना उसका नाम जुगल, जुगल मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो रानी जब तक जीवित थी तो उनके सहयोग से साल में 3 बार विराट यज्ञ होता है यहाँ पर। अभी भी एक होता है चैत्र नवमी, मकर संक्रांति और विजयादशमी को। लेकिन रानी के गुजर जाने के बाद अब हनुमान जी का सेवा पूजा कैसे होगा, तो यहाँ आप ही लोगों के 10 दान के यात्रियों के दान से होगा। जैसे कोई नाम रूप गोत्र लिखा के देते हैं, जो 101 रुपया देते हैं उनके नाम से शनिवार मंगलवार को घी सिंदूर का लेप दिया जाता है, और जो 251 देते हैं उनके नाम से एक नया झंडा चेंज होता है, सालों भर पारा रहता है, और जो विशेष दान देते हैं
पूरा एड्रेस लेकर के बाईपोस्ट द्वारा यहाँ से प्रसाद जाता है। जिसको जिसे भगवान दिए हैं, जिसको जैसे सामर्थ्य बनते हैं तो दान देते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के भी जाते हैं। तो आप लोग जो सिंदूर प्रसाद लिए हैं, किससे क्या नियम है आप लोगों को बता देंगे वहाँ पर। आप लोग जो भी अपने मन में जो भी इच्छा है हनुमान जी से मांगिएगा, अवश्य पूर्ण करेंगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। अब रुकिए थोड़ा, अपना नाम, कौन सा जगह है और अपना फोन नंबर बता दीजिए। ये तपोवन हुआ। अच्छा, मेरा नंबर हुआ 62032-36105। नाम? बबलू कुमार। लोग आएगा तो आप यहीं पे मिलेंगे नीचे? हाँ, हाँ, नीचे ही मिल जाएंगे तपोवन में। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।